प्रिय मित्रों, रामू और दामू बचपन के दोस्त थे। रामू का पिता ऑटो चलाता था, दामू का पिता धनी व्यापारी था। रामू पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ पाया, क्योंकि उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और उसको मां की सहायता के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसकी दो छोटी बहनें भी थी जो स्कूल जाती थी। मां बेटा मिलकर दूसरों के खेतों में काम करते थे या उनके घरों के छोटे मोटे काम करते थे। घर की तंगी में भी वे थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसा बचाते थे और 4 साल बाद उन्होंने गांव में चाय की एक दुकान खोली। दुकान अच्छा चल निकली और एक होटल के रूप में परिवर्तित हो गई। इस बीच मां बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हुई। रामू को बड़ा दुख हुआ, लेकिन हिम्मत न हारी। उसकी बहनें अब कॉलेज में पढ़ती थी। वे फुर्सत के समय भाई की मदद करती थी। रामू ने अपने होटल का विस्तार किया और दोनों बहनों की शादी कराई। 2 साल बाद उसने भी शादी की। उसकी पत्नी सुशीला और बहुत मेहनती थी। उन्हें 4 संतानें हुई, एक लड़का और 3 लड़कियां। रामू ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और अच्छे जीवन की कला सिखाई। बेटा इंस्पेक्टर बना, एक बेटी डॉक्टर बनी और बाकी दोनों शिक्षिकाएं। समाज में रामू का अच्छा नाम था। सब लोग उसकी एवं उसके परिवार की धर्मनिष्ठा, अच्छे आचरण से प्रभावित हुई। वहां दामू बुरी संगत में पड़ गया, नशे की गिरफ्त में आया, 10वीं में फेल हो गया। नशे और बुरे मित्रों ने उसको बर्बाद किया और चोरी डकैती में वो पकड़ा गया और जेल में बंद हो गया। आज सुसमाचार में अशरफियों का दृष्टांत हमने सुना, जिसको 5,000 अशरफिया मिली और जिसको 2,000 अशरफिया मिली, दोनों ने कड़ी मेहनत और लगन से काम करके अपनी अपनी अशरफियों को दुगना कर दिया। मालिक ने प्रसन्न होकर दोनों को पुरस्कृत किया और अपने आनंद के सौभाग्य बनाया। हमारी कहानी के हीरो रामू ने भी ऐसा ही किया। अपने को प्राप्त सीमित साधनों का निष्ठा और लगन से व्यावहारिक बोध के साथ सदुपयोग किया और समाज के सामने एक आदर्श बन गया। दृष्टांत का तीसरा सेवक निकम्मा निकला और अपनी पराजय का मटका स्वामी के मत्थे फोड़कर स्वयं को होशियार घोषित करने का दुस्साहस किया और फलस्वरूप उसे कड़ा दंड भोगना पड़ा। यही गलती रामू के मित्र दामू ने भी की।
उसके परिवार में असीम संपत्ति थी, जिसका एवं अपनी आजादी का उसने दुरुपयोग किया। वो आलसी, निकम्मा और समाजद्रोही बन गया। संपत्ति ने उसे पराजय के गर्त में फेंक दिया, क्योंकि उसने वही रास्ता चुन लिया था। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमारा लक्ष्य साफ होना है। इसके बाद वो लक्ष्य पाने के लिए निष्ठा और लगन से काम करना है। मार्ग में अड़चने और बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन इरादा पक्का हो तब तो सब ठीक हो जाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 में वर्णित याकूब की कहानी इसका उदाहरण है। मामा लाबान की छोटी बेटी राखेल को पाने के लिए उसने 14 साल गुलाम की भांति लाबान की सेवा की। यही है लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति का उदाहरण। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 21-22 में हम पढ़ते हैं, कर्तव्य पालन में दृढ़ बने रहो और बुढ़ापे तक अपना काम करते जाओ। पापी के कर्मों पर आश्चर्य मत करो, प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपना काम करते जाओ। ये उपदेश बड़ा लाभदायक है। दूसरों के साथ हम अपना तारतम्य न करें। उनको क्या मिला या नहीं मिला, यह हमारी चिंता का विषय न हो। हमको जो कुछ मिला उसका निष्ठा से सदुपयोग करें और बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जैसे कि प्रवक्ता ग्रंथकार कहते हैं, प्रभु सुगमता से किसी दरिद्र को अचानक धनी बना सकता है। प्रभु का आशीर्वाद ही धर्मी का पुरस्कार है। उसका आशीर्वाद क्षण भर में फलता है। इसलिए आइए हम जीवन का हिसाब किताब प्रभु चरणों पर रखकर और निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पालन में निष्ठा से लगे रहे। जी।